Yeah, we have Lom Harsh, the director of the film Yeh Hai India. So let's talk about the film and its release. So, Lom ji, something about the movie, why Yeh Hai India? It's on country, and especially when the, you know, the democracy, the Indian country is very much on high of patriotism. I'm not talking about any particular political party, but yes, this is one of the hottest issue in the country. And you are making a film which is releasing just this Friday only. What to say about this? See, first of all, तो 23 को आपकी नई सरकार आ रही है, तो नए देश की नई सरकार का जश्न मनाया 24 को ये है इंडिया के साथ में. और दूसरा देखिए, देश सबसे बड़ा है, उसके नीचे हर देश का पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियन सब उसके नीचे आते हैं. तो आई थिंक ये वो फिल्म है जो आज के सच्चे भारत की तस्वीर को दिखाती है. आपका देश का मीडिया करप्शन का लेवल, पॉलिटिशियंस कैसे ऑपरेट करते हैं, बाहर से आने वाले लोग इस देश के लिए क्या सोच रखते हैं, और किन चीज़ों की वजह से हमारी देश की छवि आज भी विदेशों में ख़राब है, उन्हें किस तरह से रिपेयर किया जा सकता है. तो ये फिल्म वो फिल्म नहीं है जो सिर्फ एक प्रॉब्लम को बताती है, ये वो फिल्म है जो उसके एड्रेस को इशू करते हुए उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है. कहीं ना कहीं दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि इंडिया क्या है. ये बहुत बड़ा सवाल है. देखिए, आप हिंदुस्तान में बैठ के खुश हो रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतने देशों की यात्रा कर रहे हैं, ये वो, बट सरप्राइजिंगली दुनिया को इतना कुछ देने के बाद में भी हमारे देश की वो छवि नहीं है. आज भी हमें तीसरा देश समझा जाता है, आज भी हमारी सेंसिटिविटी के इश्यूज़ हैं, आज भी हम कई कंट्रीज़ की सेंसिटिव कंट्री की लिस्ट में आते हैं, वीज़ा मिलने में बहुत टाइम लगता है. तो हम किसी ने गौर ही नहीं किया इस तरफ, हम लोग अपनी उधेड़बुन में लगे हुए हैं, इतना परेशान है. तो मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो उस वक्त मैंने ये सब चीज़ें फील करी क्लोजली कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इस देश की छवि इतनी ख़राब है, दुनिया को इतना कुछ देने के बाद में भी हम लोग सपेरों का देश ही क्यों, हमारी गरीबी के बारे में भी बात क्यों कर सकते हैं. कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ कि हमारी देश की पर्सनल PR और मार्केटिंग अच्छी नहीं है. अब उसका सोल्यूशन मैं अकेले के दम पर क्या कर सकता हूँ, इतने बड़े देश की PR और मार्केटिंग तो देश की सरकार करेगी, मेरे जिम्मे थोड़ी है. आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर मेट्रो ट्रेन के ऊपर इनक्रेडिबल इंडिया का ऐड लगाने से इंडिया की छवि अच्छी नहीं बनती, बट एक ऐसी सिनेमा सबसे सशक्तफुल और पावरफुल माध्यम है जिसकी शेल्फ लाइफ सबसे लंबी होती है. एक न्यूज़पेपर 2 घंटे काम करता है, एक TV ऐड 10 सेकंड काम करता है, बट एक सिनेमा जो होता है वो ज़िंदगी भर काम करता है. उस सिनेमा घर में लगने के बाद में YouTube पे फिल्म रहती है, VOD प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म रहती है, और भी बहुत सारी जगह पे रहती है, इन फिल्म एंटरटेनमेंट पे रहती है. तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो एक कंट्री की बाइबल का काम करे, विकिपीडिया का काम करे, जैसे इंडिया का विकिपीडिया है. तो ये फिल्म वीडियो के अंदर इंडिया का विकिपीडिया है. ग्रेट. इसमें द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, अपने जो टारगेट ऑडियंस होंगे, जिनको आप टारगेट कर रहे हो, जो देखेंगे इस फिल्म को, दे आर इंडियंस विद इन इंडिया और इंडियंस आउटसाइड इंडिया? सो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज दिस फिल्म इज अबाउट इंडियंस विद इन इंडिया, इंडियंस आउटसाइड इंडिया, एंड द पीपल हु आर नॉट इंडियंस इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया. इट्स अ फिल्म, इट्स अ ग्लोबल फिल्म. देखिए, इट्स नॉट कि फिल्म का टाइटल ये इंडिया, तो ये सिर्फ इंडियंस की फिल्म है. आज अगर एक कोई अमेरिका में बैठा हुआ आदमी इंडिया घूमने आना चाहता है तो वो बड़े सपने लेके आते हैं, खूबसूरत फिल्म फोटोज़ दिखाई जाती है उनको, ताजमहल इतना सुंदर है, तो वो बड़ा खुश होकर आते हैं. मुंबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो बड़ी खुशी होती है, वाओ कितना नीट एंड क्लीन है. जैसे ही बाहर निकलते हैं बोलते हैं कहाँ गए. तो ये मार्केटिंग है मुंबई एयरपोर्ट अपने इंडिया की, बाहर निकलते ही सच्चाई दिखती है. तो ये फिल्म उनको मेंटली प्रिपेयर कर देगी कि भाई ये कंट्री ऐसी है, ऐसे लोग चलते हैं, करप्शन का लेवल ये है, पॉपुलेशन ये है, पॉल्यूशन ये है, इस तरह से टैक्सी वाला बिहेव करता है. तो वो पूरा मेंटल प्रिपेयर हो जाएंगे यहाँ आने से पहले. सो आपने सिर्फ कंट्री की स्ट्रेंथ को दिखाने की ट्राई किया है या कुछ लूपहोल्स भी हैं अपने कंट्री के जो आपने दिखाने की ट्राई? रियलिटी एवरीथिंग. आई थिंक इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म. बहुत लोगों को बुरा लगने वाला है, पॉलिटिशियंस को बुरा लगने वाला है, एक्टर्स को बुरा लगने वाला है, मीडिया को मे भी बुरा लगने वाला है. तो इट्स अ हार्ड हिटिंग फिल्म फॉर एवरीवन, बट इन रियलिटी इन एंड बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला. तो इतना सब कुछ बोलने के बाद में आखिरी में जिन लोगों को बुरा लगेगा वो भी थिएटर से बाहर निकल के गर्व से कहेंगे ये है इंडिया. बॉटम लाइन ये है कि आपने फाइनली इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश की है कंट्री को, या सच में हमारे लूपहोल्स को ही हाईलाइट करने में ज़्यादा फोकस रखा है? सी, एट द एंड द अल्टीमेट एम इज़ टू ग्लोरीफाई द नेशन, प्राइड एंड प्राउड ऑफ इंडिया एंड इंडियंस, जो हमने लास्ट में क्लाइमैक्स में किया है. बट उससे पहले ये वो फिल्म आपको जो ट्रांस के अंदर लेके चली जाएगी, हो सकता है आपको पूरी रात नींद ना आए फिल्म देखने के बाद में, हो सकता है आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो सकता है आप ये सोचें कि बीवी बच्चे पालना ही खाली जिम्मेदारी नहीं होती. तो इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म, जो मैं एक गारंटी देता हूँ, एक बम धमाके के बाद में जो सूनापन होता है ना, वो आपके कानों में रहेगा ये फिल्म ख़त्म होने के बाद में.
अब वो कितना असर रहता है वो आपके ऊपर है, बट आई थिंक वो हमारी जिम्मेदारी उस वक्त पूरी हो जाएगी। Exactly when you realized about making this film, any incident related? 2008 के अंदर ऑस्ट्रेलिया में दंगे हुए थे अगर आपको याद हो, जिसमें कुछ इंडियंस भी मर गए थे, उनका मैं आई विटनेस था उस टाइम, वहाँ मौजूद हुआ था, जो हुआ था मेरी आंखों के सामने हुआ था। एक गुजराती को स्टैप किया गया था, पेट्रोल बम फेंके गए थे, बहुत बड़ा इंसिडेंट्स हुआ था जब वर्ल्ड क्राइसिस हुआ था, उसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी था। तो आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट वेन आई रियलाइज की बॉस सिचुएशन इज वेरी बैड। For Indians, especially you are talking? I am surprised, yes. I think पाकिस्तानी की ज़्यादा वैल्यू है बजाय इंडियन के। पाकिस्तान ने अपने आप को एक लाचार और बेसहारा कंट्री प्रेजेंट कर रखा है, लोगों की पाकिस्तान के साथ सिंपति है। हम लोग ओवर टैलेंटेड है, तो उनको प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पाकिस्तान को भी दबा रहे हैं, और एक वहाँ एक गोरा जो $20 के अंदर काम करता है, एक इंडियन $8 में काम करता है और उससे अच्छा काम करता है, तो वो भी उनको एक प्रॉब्लम है। हम क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा देते हैं, तो वो भी उनकी एक प्रॉब्लम है। तो दैट वॉज द थिंग, आई थिंक दैट वॉज द मोमेंट वेन आई रियलाइज कि बॉस यू नीड अ फिल्म। इंडिया की मार्केटिंग बहुत गलत लेवल पे हुई हुई है वर्ल्ड मैप के ऊपर, और आई थिंक मोदी जी जहाँ भी जाएँ उनके साथ साथ इस फिल्म को भी भेजना चाहिए। पहले वो ये फिल्म दिखाएं, फिर वो भाषण देना शुरू करें, तो आई थिंक दैट विल क्रिएट अ मोर इम्पैक्ट अबाउट आवर कंट्री। मोदी जी से कितना इंस्पिरेशन है अबाउट मेकिंग बिफोर मेकिंग दिस फिल्म? ओके, आई टेल यू, आई एम नॉट इंस्पायर्ड बाई एनी पोलिटिकल पार्टीज ऑफ द कंट्री, बट आई टेल यू वन थिंग, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। यहाँ तक आज पहुँचे हैं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल के थ्रू पहुँचा हूँ। मोदी जी से एक इंस्पिरेशन मिलती है कि ही इज़ ए सेल्फ मेड मैन। एक ऐसा आदमी जो चाय बेचता था, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, वहाँ से अपनी जर्नी को शुरू करते हुए आज इस मुकाम पे आके खड़ा हुआ, देश का प्रधानमंत्री बना, इतने देशों में गए। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ट्रिमेंडस जॉब। कांग्रेस बाय बॉर्न है, जैसे कपूर खानदान है अपने। अब एक्टर चाहे अच्छा पैदा हो चाहे बेकार हो, एक्टर तो बना देंगे वो उसको, वो कांग्रेस का थोड़ा सा सिस्टम है। तो आई थिंक मोदी जी हार्ड कोर पॉलिटिशियन जो अपने दम पे बने, और मुझे हर वो शख्स जो अपने दम पे खड़ा हुआ है पसंद है, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो एक आम किसान का बेटा हो जो IAS ऑफिसर बना हो, चाहे वो लोम हर्ष हो। एनी रियल लाइफ इंडियन पॉलिटिशियन जिसको आप इमिटेट करने की कोशिश की हो फिल्म में? नथिंग लाइक दैट। आई थिंक पॉलिटिशियंस को इमिटेट करना शायद दुनिया का सबसे वाहियात काम होगा। वाई शुड वी इमिटेट अ पॉलिटिशियन? आपने बहुत सारे बॉलीवुड में अच्छे अच्छे एक्टर्स, आप उनको इमिटेट करिए। अगर मैं इमिटेट करूँगा शाहरुख साहब को करूँगा, मैं इमिटेट करूँगा सब भाई को करूँगा। आई स्पेंड रियली गुड टाइम विद सलमान भाई इन हिज लास्ट टू लास्ट बर्थडे पार्टी। व्हाई पॉलिटिशियंस? ये तो दिन रात इमिटेट ही करते रहते हैं, थक जाओगे आप इनको इमिटेट करते। आपकी स्टोरी लाइन इज फोकस्ड ऑन दिस पॉलिटिशियंस आल्सो? 100% इट रिवॉल्व्स अराउंड पॉलिटिशियन। मोहन अगाशी जी ने प्रधानमंत्री का किरदार प्ले किया है, तो एक NRI लड़का जो इंडियन ना होते हुए भी वो उसे चूज करते हैं एक बहुत बड़े मिशन के लिए कि तू इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो हैं। मोहन जोशी जी ने करप्ट पॉलिशिन का कैरेक्टर प्ले किया है, मैंने उनके लड़के का कैरेक्टर प्ले किया है। एक फिल्म के अंदर एक डायलॉग है कि एक बात पूछूं, बोले आपके यहाँ पे मिनिस्टर का बेटा भी मिनिस्टर ही होता है, ये लॉकअप बना था। तो एक इंटरोगेशन चल रही है जिसमें एक इंटरोगेशन ऑफिसर गैवी का इंटरोगेशन कर रहे हैं मिकी का, और वो उस इंटरोगेशन में पहली बार बोलता है, जब मुँह खोलता है पहला डायलॉग यही होता है। तो आप सोचिए कि फॉरेनर NRI इंडिया घूमने आया, वो किसी वजह से इंटरोगेशन तक पहुंच चुका है, और वहाँ वो पहली बार मुँह खोलता है और वो ये बोलता है, अपनी वहाँ भी वो अपना दर्द रख रहा है कि भाई आपके देश के अंदर एक पॉलिटिशियन का बेटा भी पॉलिटिशियन होता है, ये लॉकअप बना था। तो सी इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू। मैं तो सरप्राइज हूँ कि एक छोटे से इशू को लेकर इतना बवाल हुआ है। ये फिल्म तो इसमें तो ऐसे 50 से ऊपर डायलॉग है, लोग क्या करेंगे फिल्म रिलीज हुए बाद। आई एम वेरी मच टेंस्ड। सो हाउ मेनी सॉन्ग्स आर देयर, और आउट ऑफ दोज पैट्रियोटिक सॉन्ग्स कितने हैं उसमें? सी द ब्यूटी ऑफ द फिल्म इज जिस तरह से हमारा टाइटल है ये इंडिया, उस तरह से हमारे गाने हैं फिल्म के। हमारी फिल्म के अंदर एक यूथ के लिए रैप और बैंड कल्चर बेस्ड सॉन्ग है जो कि टाइटल ट्रैक है फिल्म का, जिसे शाहिद माल्या ने गाया है, NRS ने रैप किया है। जावेद अली का एक सूफी गाना है जो हरिद्वार और ऋषिकेश में फिल्माया गया है, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। जी म्यूजिक इज अवर पार्टनर, गाना आउट हो चुका है, आप सुनिए। जब भी आप जिंदगी में निराश हताश फील हो, जैसे कि मेरा हीरो इंडिया ये बात होता है, जब जिंदगी में कुछ रास्ते नज़र नहीं आते, कुछ समझ में नहीं आता आगे जाके क्या करना है, तब आप साइयां साइयां सुने। और जब आपको राजस्थान के कल्चर और फोक के बारे में जानना है, तो आज ही इनफैक्ट अभी जी के ऊपर हमारा अगला गाना रिलीज हुआ है ढोला, जो कि राजस्थानी फोक सॉन्ग है, वो सुने। आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, तो जावेद अली का एक सूफी सॉन्ग है पिया बिन, वो सुने। तो सबके लिए कोई ना कोई गाने हैं बॉस। चलिए, अच्छा व्यूअर्स के लिए कुछ आप कहना चाहेंगे अबाउट दिस फिल्म? सी इट्स अ वंडरफुल फिल्म, आपकी अपनी फिल्म है, इसे अपना प्यार दीजिए, अपना समझिए। हो सकता है फ्यूचर में आप में से कोई एक्टर डायरेक्टर बनना चाहता हो, पॉलिटिशियन बनना चाहता हो, सबके अपने सपने होते हैं। कुछ सपने खुद के लिए होते हैं, कुछ सपने देश के लिए होते हैं। मेरा ये सपना मेरे देश के लिए था कि एक ऐसी फिल्म बनाऊँ जो इस देश की बाइबल और विकिपीडिया बन के आए, तो वो मैंने कर दिया।
कभी भी टाइम मिले, मैं ये नहीं बोलता आप थिएटर्स में जाएं मूवी को देखें, जब भी आपको टाइम मिले, चाहे वो इंटरनेट हो, वीओडी प्लेटफॉर्म हो, डीवीडी हो, सीडी हो, इनफैक्ट टोरेंट पे भी मिले तो देख डालना, पर देखना ज़रूर क्योंकि ये आपकी फिल्म है। थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक्स अ लॉट हर्ष जी। थैंक्स।